योगी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर भले ही काम करने का दावा करती हो, लेकिन कुछ अफसर इस पॉलिसी को नहीं मानते। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त एक्शन लेने वाली इस सरकार में भी अफसर भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अब तक कई बड़ी कार्रवाई की है, जो अपने आप में नज़ीर साबित हुई है। लेकिन इसके बावजूद कुछ विभागों में ऐसे अफसर हैं जो अपनी कार्यशैली से सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मुरादाबाद में प्रकाश में आया है, जहां प्रदूषण विभाग में एक लैब असिस्टेंट 1, 2, 3, 4 या 5 वर्ष नहीं बल्कि 14 वर्षों से विभाग में एक ही सीट पर जमा बैठा है। इन 14 वर्षों में प्रदूषण विभाग में किसी भी अफसर की निगाह इस ओर नहीं गई कि उक्त लैब असिस्टेंट एक ही सीट पर लंबे समय से कैसे काबिज है। दरअसल पूरा मामला विभाग में गहरे तक जड़े जमाए भ्रष्टाचार का है। मुरादाबाद के प्रदूषण विभाग का यह मामला तब खुला जब अधिवक्ता और भारतीय किसान मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमवीर सिंह ने पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय में दर्ज कराई। अधिवक्ता ठाकुर ओमवीर सिंह ने दर्ज कराई गई शिकायत में उल्लेख किया है कि मुरादाबाद के बुद्धि विहार स्थित प्रदूषण विभाग में प्रयोगशाला सहायक के पद पर काम कर रहे आकाश जोशी नियम विरुद्ध तरीके से वर्ष 2010 से मुरादाबाद में ही प्रदूषण कार्यालय में तैनात हैं। शिकायतकर्ता ठाकुर ओमवीर सिंह का कहना है कि आश्चर्यजनक रूप से आकाश जोशी नाम का उक्त प्रयोगशाला सहायक 14 वर्षों से मुरादाबाद में प्रदूषण कार्यालय में तैनात है और इस ओर किसी भी अधिकारी की निगाह क्यों नहीं गई। 14 वर्षों तक इस लैब टेक्नीशियन का तबादला क्यों नहीं हुआ? स्पष्ट है कि विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के चलते ये सब हुआ है। मुख्यमंत्री को भेजी गई शिकायत में भारतीय किसान मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर ओमवीर सिंह ने लैब टेक्नीशियन की संपत्तियों की जांच भी किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि लैब टेक्नीशियन के खिलाफ भ्रष्टाचार के तमाम आरोप हैं, जिसके चलते तुरंत ही निष्पक्ष जाँच आवश्यक है। ठाकुर ओमवीर सिंह का कहना है कि प्रदूषण विभाग का आलम ये है कि मुरादाबाद के अंदर तमाम जगहों पर खुलेआम ही कचरा जलाया जाता है। लोग गंभीर बीमारियों के शिकार इसी कचरे की वजह से हो रहे हैं, किंतु प्रदूषण विभाग सोया हुआ है। उनका कहना है कि हकीकत यह है कि प्रदूषण विभाग के संरक्षण में ही कचरा जलाए जाने का यह अवैध कारोबार मुरादाबाद में पूरी तरह पांव पसार चुका है। चाहे जामा मस्जिद का क्षेत्र हो या कटघर का क्षेत्र, नवाबपुरा का क्षेत्र हो या लालबाग का क्षेत्र, तमाम जगह ही कचरे का अवैध कारोबार प्रदूषण विभाग की कर्मचारियों की मिलीभगत के चलते अपनी जड़ें जमा चुका है। लिहाजा प्रदूषण विभाग के इस लैब टेक्नीशियन के खिलाफ तुरंत उच्च स्तरीय जांच आवश्यक है। ये जो एक आपने शिकायत करी है मुख्यमंत्री पोर्टल पर, प्रदूषण विभाग के जो कर्मचारी हैं आकाश जोशी, क्या है ये पूरा मामला? आकाश जोशी प्रदूषण विभाग में लैब असिस्टेंट हैं और लगभग 14 सालों से यहीं पर ये कार्यरत। इन्होंने अपनी भ्रष्टाचार के माध्यम से, क्योंकि पॉल्यूशन एक ऐसा विभाग है जिसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, और किसी भी चीज़ की कोई एनओसी लेने जाता है या कोई भी जाता है तो एक बहुत व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार है, और ये एक ही स्थान पर 14 साल से टिके हुए हैं। और इन्हीं के संरक्षण में यहाँ मुरादाबाद में चाहे ई कचरा हो, चाहे अन्य चीज़ों हो जिससे पॉल्यूशन फैल रहा है, वो सब इनके संरक्षण में ही सब कुछ चल रहा है और उनके द्वारा ही ये सब कुछ संरक्षण से यहाँ तमाम जो प्रदूषण फैल रहा है उसमें बीमारियाँ फैल रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को इनकी शिकायत की थी, क्योंकि एक ही जनपद में 14 साल से एक व्यक्ति कार्यरत है, क्यों है? स्थानांतरण नीति के अकॉर्डिंग भी इनका स्थानांतरण होना चाहिए। दूसरी बात, इनकी तमाम भ्रष्टाचार से लिप्त होने के कारण तमाम अकूत संपत्ति है अमराबाद के अंदर, बेनामी संपत्तियां हैं इनकी, उनकी भी जांच होनी चाहिए और इनका ट्रांसफर कहीं और विभागीय कार्रवाई एवं इनका ट्रांसफर अमराबाद मंडल से बाहर होना चाहिए। इस प्रकरण में प्रदूषण विभाग मुरादाबाद के संबंधित एवं सक्षम अधिकारी से उनका पक्ष जानने के लिए कई बार संपर्क स्थापित करने की कोशिश की गई, किंतु उनका फोन बराबर स्विच ऑफ जाता रहा। INN न्यूज के लिए मनोज गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।